my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I will be reviewing this newly launched product from the brand Purple. So as you guys know, मुझे Purple brand काफ़ी ज़्यादा पसंद है. मतलब इनके makeup products मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. Quality and everything बहुत अच्छी होती है. तो ये bronzer भी मैंने try किया अपने एक makeup look में and मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एकदम natural finish देता है. Like face को ऐसा लगता नहीं है बहुत ज़्यादा आपने भड़कीला किया है and साथ साथ एक like shiny glowy look दे देता है आपकी skin को. Natural plus glowy लुक देता है आपके स्किन को एंड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. ये लाइट वेटेड है और इसका अगर मैं आपको पिगमेंट दिखाऊं तो वो बिल्डेबल है. मतलब आप और ज़्यादा लाइक ब्रॉन्जिंग एंड हाइलाइटिंग दो चीज़ें हैं इसके अंदर. ये देख सकते हैं आप, ये हाइलाइटर का काम करता है, ये ब्रॉन्जर का हेल्प करता है. तो ये दोनों चीज़ें इतनी बिल्डेबल है कि आप अगर ब्रॉन्जिंग हार्ड करना चाहते हैं ना तो काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो जाता है. बट अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट भी रख सकते हैं. मेरे को सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जैसे मैंने रखा. बट इफ़ यू वॉन्ट अ डार्क एंड बिल्कुल कॉन्टोर्ड लगना चाहिए आपका ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर तो वो बहुत अच्छे से बिल्डेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है. मैं आपको इनका स्वॉच दिखाऊँ अगर तो आप इसका सकते हैं. ये हाइलाइटर का है, जितना हाइलाइटर का होना चाहिए पिगमेंट उतना मिल रहा है एंड ये है ब्रॉन्जर का, आप देख सकते हैं. सो इन दोनों में ही हल्का सा शीन है. लाइक हाइलाइटर में तो होना ही चाहिए जो शीन, वो तो है ही, और ब्रॉन्जर में भी हल्का सा शीन है. तो ये आपको एक ग्लोई लुक दे देता है, आपके फेस को काफ़ी अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है ये. और इसके अंदर जो है विटामिन ई एडेड है जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा काम करता है आपके फेस पर एंड साथ साथ इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जो कि आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है. सो मेकअप के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ये स्किन केयर का भी हेल्प कर देता है. लाइक विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर एडेड है. सो काफ़ी ईजिली ब्लेंड होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है. सो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ. स्वॉच मैंने आपको इन दोनों के दिखाई दिए हैं. कितना प्रिटी लग रहा है. इसमें कोई शेड्स नहीं है, इसमें यही दो शेड है. हाइलाइटर का काफ़ी प्रिटी शैम्पेन कलर है एंड ब्रॉन्जर का जो ब्रॉन्जर कलर होता है वो है. वाओ, सो मुझे हाइलाइटर अप्लाई करना काफ़ी पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा आपके पूरे मेकअप को इनहेंस कर देता है. सी, हाइलाइटर अप्लाई करने से पूरा फेस कितना ज़्यादा हाईलाइट हो गया है. ब्रश ले रही हूँ एंड मुझे थोड़ा सॉफ्ट ब्रॉन्जर पसंद है, ज़्यादा नहीं. सो हम सो यू कैन सी द डिफरेंस. इस साइड मैंने ब्रॉन्जिंग की है, इस साइड मैंने नहीं की है. तो फेस आपको इस साइड से ज़्यादा लाइक कट लगेगा एंड बहुत अच्छा फेस पे टेक्सचर आ जाता है, एक बहुत अच्छा शेप मिल जाता है आपके फेस को. तो ये ब्रॉन्जर ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है. सो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक दिया है इस ब्रॉन्जर ने मेरे फेस को एंड या हाइलाइटर और ब्रॉन्जर करने से पूरे फेस का लुक ही चेंज होता हो जाता है. बहुत अच्छे से आपके फेस को एक हाई पॉइंट्स दिखते हैं आपके फेस के, फेस पे कट दिखता है. सो मुझे तो ये 2-in-1 वाला जो ब्रॉन्जिंग हाइलाइटिंग किट है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. सिर्फ आपको ये कैरी करना है, इसमें आपको इतना अच्छा सा शैम्पेन कलर जैसा हाइलाइटर मिल जाता है एंड साथ साथ ब्रॉन्जिंग मिल जाती है. काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ सा टेक्सचर दे रहा है स्किन को एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत देर चलता है. बस आपको हल्का सा सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना है एंड या दैट्स इट, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है ये. सो डेफिनेटली आप इस ब्रॉन्जिंग प्लस हाइलाइटर किट को ट्राई कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये आपको 449 में मिल जाता है. तो अभी डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है, मोस्टली डिस्काउंट पे मिल जाते हैं. सो या अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय.